हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का 10 मिनट किचन रेसिपीज में। और आज हम बनाने वाले हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी। इमली की खट्टी मीठी चटनी दही बड़ा के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं इमली की चटनी। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है इमली, जो मैंने 100 ग्राम ली है, 150 ग्राम गुड़, 2 से 3 बड़े चम्मच चीनी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, सौंठ पाउडर, जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 2 पिंच हींग, काला नमक 1/2 टीस्पून और रेगुलर नमक 1/2 टीस्पून, और साथ में लिया है मैंने मगज और थोड़ी सी किशमिश। सबसे पहले इमली को अच्छे से तोड़ लेते हैं और इनके अंदर जो बीज हैं उनको हम निकाल लेंगे। इस तरह के बीज होते हैं, उनको हम निकाल देंगे। कुछ बीज रह भी जाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो बाद में हम छानते टाइम उनको निकाल देंगे। इसके बाद एक बिकोनी में गर्म पानी लेंगे, उसमें इमली को डाल देते हैं। करीब आधा से 1 घंटा भिगोने के बाद हमारी इमली कुछ ऐसी हो जाएगी, ये फूल गई है अच्छी तरह से। इसको हम हाथ से मसल मसल कर सारे बीज निकाल देंगे और एक स्ट्रेनर की हेल्प से पल्प को छान लेंगे। इसको मैंने छलनी में ट्रांसफर कर लिया है और पानी मिलाते हुए इसमें इसको छान लेंगे। ज्यादा पानी भी नहीं मिलाना है, हमारा पल्प थोड़ा टाइट ही होना चाहिए, वरना उसको पकाने में बहुत टाइम लग जाएगा। इस तरह से हम इसको छान लेंगे। छलनी की हेल्प से मैंने पूरा पल्प इसका एक तरफ निकाल लिया है। अब कढ़ाई में हम 1 टेबल स्पून सरसों का तेल लेंगे, उसमें 2 पिंच हींग मैंने डाला है। इसके बाद इमली का पल्प इसमें डाल देते हैं। गैस को लो फ्लेम पर ही रखेंगे, थोड़ा सा पानी मिला के सारा पल्प इसमें डाल देते हैं। उसके बाद चलाते हुए थोड़ी देर इसको पकाएंगे। गैस की फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे। इसमें ऐड कर देते हैं गुड़। गुड़ मैंने 150 ग्राम लिया है, अपने स्वाद अनुसार आप इसको कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको चलाते रहेंगे जिससे हमारा गुड़ घुल जाए। देखिए सारा गुड़ घुल चुका है और चटनी थोड़ी सी टाइट भी होने लगी है। इसी स्टेप पर हम इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच जो हमने चीनी ली है वो ऐड कर देते हैं। चीनी और गुड़ दोनों का मिठास चटनी में बहुत स्वादिष्ट लगता है, इसलिए मैंने गुड़ और चीनी दोनों ही इसमें ऐड किए हैं। उबाल आ गया है चटनी में। देखिए लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको 5 से 7 मिनट तक चलाते हुए पकाएंगे। देखिए चटनी में अच्छी तरह से उबाल आ गया है। 7 मिनट तक पकाने के बाद अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। चलाते रहेंगे। 1 टीस्पून जीरा पाउडर, जिसको मैंने तवे पर जीरा हल्का सा भूनकर पीस लिया था वो डाल देंगे। इसके बाद इसमें जाएगा 1 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून काला नमक और 1/2 टीस्पून मैंने रेगुलर नमक लिया है जो हम डेली में खाते हैं वो इसमें डाल देंगे। इसके बाद मगज इसमें ऐड कर देंगे। मगज से हमारी चटनी बहुत ही स्वादिष्ट और देखने में सुंदर लगती है। इसके बाद किशमिश डाल देंगे। लो फ्लेम पर हम चटनी को 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद देखना हमारी ये चटनी बनकर तैयार है। और इसको हम चेक कैसे करेंगे, एक स्पून लेंगे, उसकी उल्टी साइड में ऐसे फिंगर से लाइन बनाएंगे। हमारी जो लाइन है वो स्टेबल है, तो इसका मतलब हुआ कि हमारी चटनी पक चुकी है। देखिए फ्रेंड्स हमारी चटनी की कंसिस्टेंसी, को ज्यादा टाइट नहीं करना है क्योंकि ठंडी होने के बाद ये थोड़ा टाइट हो जाती है।
ठंडी होने के बाद इसको एक कांच के जार में भर के आप इसे 10-15 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये छोटी सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।